हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मेरे नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज बन रही है आलू गोभी की रस वाली सब्जी। मम्मी बना रही थी सुबह सुबह और हमको देखा नहीं गया। मम्मी को बोले, मम्मी हटो तुम, हमको बनाने दो। तो देख सकते हैं आप लोग, हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी और ग्रेवी बन चुका है। ग्रेवी बन के रेडी है और आलू उबला हुआ और गोभी फ्राई किया हुआ है। तो देख सकते हैं अब आलू और गोभी दोनों को डाल देंगे। आलू और गोभी को डाल दिए और इनको भुनेंगे। भुनने के बाद गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो आज हम बना रहे हैं चूल्हा पे खाना। दोस्तों चूल्हा पे जो है ना खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लोग भी ज़रूर चूल्हा पे ही खाना बनाया कीजिए सर्दियों के मौसम में अक्सर, क्योंकि चूल्हा पे खाना बनाने से दो काम हो जाता है, हाथ भी सेक लेंगे और खाना भी बन जाएगा। और कपड़ा धोदा के हम चले छत पे, क्योंकि ऋषभ ने बहुत सारा कपड़ा गंदा कर दिया था। दोस्तों बच्चा जो है ना क्या करे, सर्दियों के मौसम में ना बच्चा बहुत परेशान करता है और ढेर सारा कपड़ा गंदा करता है। तो हम कपड़ा धोदा के चले छत पे, रस्सी बांध के कुछ इस तरह से चारों तरफ कपड़ा को फैला दिए थे। और देख सकते हैं सर्दियों का धूप जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं। और हमारे गांव का कुछ इस तरह से नज़ारा, जब हम नीचे आए तो देखे कि सोच रहे थे कि आज फेस का क्लीनिंग कर लें, फेस थोड़ा डल लग रहा था। तो राइस फ्लोर और टोमेटो लेके हम स्क्रब कर रहे थे। दोस्तों आप लोग भी इन दो चीज़ों से स्क्रब कर सकते हैं अपने फेस का, क्लीनिंग डेड स्किन सब हटा सकते हैं। तो उसके बाद फेस को धो लिए थे और आगे देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह से मेरा फेस एकदम ग्लो करने लगा। नेल पेंट भी लगा लिए थे। उसके बाद हम चले सोलह सिंगार करने, सजने संवरने। तो सबसे पहले हम सिंदूर लगा लिए। सिंदूर पहन लिए, हर भारतीय नारी को नहा धो के आने के बाद सबसे पहले सिंदूर ही पहनना चाहिए। तो हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक।